आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। प्रशासनिक अधिकारियों से और ये मांग उनकी तरफ से रखी गई थी कि जो आयुष्मान भारत योजना है उसके जो पैसे हैं वो बकाया है, यानी कि जो तमाम मरीज हैं उन्होंने इलाज तो करवा लिया है लेकिन सरकार की तरफ से जो पैसे आने चाहिए थे वो पैसे आए नहीं है, जिसके चलते डॉक्टर्स नाराज लग रहे हैं। 35 मेंबरी कमेटी सरकार को मेमोरेंडम दे जा रहे हैं। जो आयुष्मान समाज योजना शुरू की थी उन्होंने, भारत योजना, वो प्रभावित हो रही है। प्रभावित इसलिए हो रही है कि इनके पास करोड़ों रुपए बजट पड़ा हुआ है, उसके बाद भी डॉक्टरों को पेमेंट नहीं दे रहे, दुनिया में फैला रहे। सीधा सा हिसाब किताब है कि जब गरीब आदमी को एक राहत देनी है, गरीब आदमी का इलाज करना है, तो वो नहीं हो रहा, कहीं रुकावट है, तो इसका मतलब सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार कहीं न कहीं ऐसा रोड़ा अटका रही है कि गरीब आदमी को तंग किया। सरकार जो है वो एक स्कीम लागू करती है, उसके बाद छोड़ देती है और उसमें जनता का भी नुकसान होता है और कर्मचारी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं त्रिलोचन सिंह और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता। लहरी सिंह जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है। हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, त्रिलोचन सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और सड़कों पर उतरी है। दरअसल मुद्दा क्या है वो हम आपको बता देते हैं। पिछले दिनों डॉक्टर्स आए थे जिला सचिवालय में और मुलाकात की थी प्रशासनिक अधिकारियों से और ये मांग उनकी तरफ से रखी गई थी कि जो आयुष्मान भारत योजना है उसके जो पैसे हैं वो बकाया है, यानी कि जो तमाम मरीज हैं उन्होंने इलाज तो करवा लिया है लेकिन सरकार की तरफ से जो पैसे आने चाहिए थे वो पैसे आए नहीं हैं, जिसके चलते डॉक्टर्स नाराज लग रहे थे और 18 करोड़ रुपए का बकाया था। और डॉक्टर्स की तरफ से ये भी कह दिया गया था कि अगर बकाया जो राशि है वो दी नहीं जाती तो फिर ऐसे में जो 1 तारीख से इलाज है आयुष्मान कार्ड पर वो बंद कर देंगे। और उसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी भी मैदान में आ गई है, कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो आज सड़कों पर उतरे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जागो बीजेपी सरकार, जागो बीजेपी सरकार का जो स्लोगन है वो दिया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। और आयुष्मान भारत योजना को लेकर जो ये प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको करनाल के जिला सचिवालय से दिखा रहे हैं जहां पर तमाम कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। दरअसल मुद्दा क्या है हम आपको बता देते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो आर्थिक रूप से तमाम कमजोर लोग हैं वो 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है प्राइवेट अस्पताल में वो बिल्कुल फ्री करवा सकते हैं और ऐसे में सरकार की इस योजना का लाभ तमाम लोग उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन करनाल जिले की बात करें तो 18 करोड़ रुपए का बकाया सरकार के पास है, यानी कि जो सरकार ने डॉक्टर्स को पैसे देने थे उनका जो बिल क्लियर करना था वो बिल क्लियर नहीं हुआ है, जिसके चलते डॉक्टर्स ने मुलाकात भी की थी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। और ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अब कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें हम आपको करनाल के जिला सचिवालय से दिखा रहे हैं। क्या मुद्दा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम हमारी 35 मेंबरी कमेटी सरकार को मेमोरेंडम दे जा रहे हैं। जो आयुष्मान समाज योजना शुरू की थी उन्होंने, भारत योजना, वो प्रभावित हो रही है। प्रभावित इसलिए हो रही है कि इनके पास करोड़ों रुपए बजट पड़ा हुआ है, उसके बाद भी डॉक्टरों को पेमेंट नहीं दे रहे। डॉक्टरों का कहना है कि पेमेंट के साथ साथ हमारे को प्रताड़ित किया जाता है, हमारे को तंग किया जाता है, उस वजह हम 1 तरीके से इलाज नहीं करेंगे। अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो गरीब आदमी जिनको इन्होंने रास्ता दिखाया है उसका जिम्मेवार कौन है? सरकार इसकी दोषी है। सरकार को चाहिए समय रहते इसका हल करे।
डॉक्टर की पेमेंट दे और गरीब आदमियों का इलाज जारी रखे। तो आपके हिसाब से योजना अच्छी है वैसे ये? देखो योजना वही अच्छी होती है जिसमें बीच में रुकावट ना हो, जब रुकावट होगी तो नियत में खोट है। नियत में खोट इसलिए है कि हरियाणा के अंदर ये 10 में 5 सीट हार चुके हैं, अगर विधानसभा हारने जा रहे हैं इसलिए इन्होंने पेमेंट रोक दी। ये हर उस आदमी को प्रताड़ित करते हैं जो सरकार के विरोध में होता है। आज गरीब आदमी ने इनके खिलाफ वोट की, अब उनको तंग करना शुरू कर दिया। तो उनके जब तंग होंगे क्यों होंगे, जब डॉक्टरों को पैसे नहीं देंगे, डॉक्टर पेमेंट रोक दी वो इलाज नहीं करेंगे, तो इसलिए ये सोची समझी साजिश के तहत हर ये काम करते हैं। प्रदर्शन क्या ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं? जैसे अभी पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ कि आप सारे करनाल की खबरें जो है ना सारी दुनिया में फैला रहे हैं। सीधा सा हिसाब किताब है कि जब गरीब आदमी को एक राहत देनी है, गरीब आदमी का इलाज करना है, तो वो नहीं हो रहा, कहीं रुकावट है, तो इसका मतलब सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार कहीं न कहीं ऐसा रोड़ा अटका रही है कि गरीब आदमी को तंग किया जाए, और वो भी किसके थ्रू, वो डॉक्टरों के थ्रू तंग किया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टरों को उनकी तनख्वाह नहीं दी जा रही, वो इलाज नहीं कर रहे, और इलाज नहीं करेंगे तो गरीब आदमी तंग हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, हाय लगी गरीब की तो जड़ से खोदेगा। प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, देखिए ये जो प्रदर्शन है ये डॉक्टर्स और जनता के दोनों के फेवर के लिए आए हैं, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं उनका पैसा नहीं दिया गया, जो इलाज करते हैं वो कर्मचारी हैं सरकार के, और जो स्कीम लागू की गई उस स्कीम में अगर कुछ कमियां या पेशियां जो भी चीज़ थी वो सरकार का काम था कि उसको ठीक करना, किंतु सरकार जो है वो एक स्कीम लागू करती है उसके बाद छोड़ देती है, और उसमें जनता का भी नुकसान होता है और कर्मचारी का भी। तो ये जो बात थी ये इसीलिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं ताकि डॉक्टर्स और जनता दोनों को संतुष्ट करें और जो कमियां हैं उनको देखें, और डॉक्टर्स का जो पैसा है उनको टाइमली पहुंचाएं। आप देख सकते हैं त्रिलोचन सिंह और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता आज प्रदर्शन कर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना को लेकर, जो 18 करोड़ रुपए बकाया है करनाल जिले में उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि डॉक्टर्स का जो बकाया है वो जल्द से जल्द उन्हें मिलना चाहिए, और साथ ही साथ जो लोगों का इलाज है वो सुचारू रूप से होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स की तरफ से ये आह्वान कर दिया गया था कि अगर 18 करोड़ रुपए का जो बकाया है वो क्लियर नहीं होता है तो 1 तारीख से जो इलाज है वो मरीजों का, लोगों का बंद कर दिया जाएगा जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा रहे हैं। पर आप देख सकते हैं ज्ञापन देने के लिए आज करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचे हैं, प्रशासनिक अधिकारी को यहां पर ज्ञापन दिया जाएगा, और प्रशासनिक अधिकारी यहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां पर ज्ञापन देने के लिए त्रिलोचन सिंह और कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचे हैं, और आप देख पा रहे हैं कि फिलहाल ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं, और ये तस्वीरें जिला सचिवालय से, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे हैं, जो आयुष्मान भारत योजना है जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का इलाज होता है। और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर तमाम लोग अपना ज्ञापन देते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों का यह कहना है कि 100 करोड़ के करीब हमारा रुका हुआ है, जिस वजह से हम 1 तरीके से इलाज बंद कर देंगे। वो कहते हैं इलाज पैसे के साथ साथ, पैसे के साथ साथ हमारे को प्रताड़ित किया जाता है सरकार द्वारा। इससे साफ नजर आता है सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार इनकी पेमेंट दे, वो गरीबों का इलाज ना रुके, गरीबों का इलाज होता रहे। आज जिला कांग्रेस कमेटी की 31 मेंबरी कमेटी आपको ज्ञापन के माध्यम से आग्रह करने आई है कि दोनों योजनाएं चलती रहें, गरीबों का इलाज भी चलता रहे और डॉक्टरों की पेमेंट भी हो जाए। डॉक्टर प्रभावित होंगे तो गरीबों का इलाज बंद हो जाएगा, और एक इसमें कोई माफी अपन पर है, हम उसकी इंक्वायरी की मांग करते हैं मुख्यमंत्री महोदय से। तो मैं उम्मीद करता हूँ भेज दोगे आप, आगे भी नहीं भेजा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं त्रिलोचन सिंह, और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता लहरी सिंह जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है आयुष्मान भारत योजना के तहत, जो तमाम आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब लोगों का इलाज होता है वो सुचारू रूप से होता रहे, और डॉक्टर्स का जो बकाया है वो उन्हें जल्द से जल्द मिले।
विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को भुनाने में जुटी हुई है। पिछले दिनों डॉक्टर्स की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा गया प्रशासनिक अधिकारियों को कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो 18 करोड़ रुपए बकाया है वो जल्द से जल्द क्लियर होने चाहिए। अगर वो पैसे क्लियर नहीं होंगे तो 1 तारीख से इलाज बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को मुद्दा मिल गया और उसी मुद्दे को लेकर आज प्रदर्शन किया गया कि इसमें पब्लिक को भी नुकसान ना हो और डॉक्टर्स को भी नुकसान ना हो, इसलिए प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। बहरहाल देखना ये होगा कि क्या सरकार की तरफ से जो डॉक्टर्स को पैसे देने हैं 18 करोड़ रुपए करनाल जिले के, वो कब तक मिलते हैं और आगे क्या ये योजना आयुष्मान भारत योजना जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का इलाज होता है वो सुचारू रूप से चल पाती है या नहीं। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग, धन्यवाद।